हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज काफ़ी समय के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। अभी तक मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाई, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि आपकी डेली वीडियोज़ में डालती रहूँ और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूली चलती रहे। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है 8 और 5 टॉपिक उसके हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है 6th टॉपिक, छठा टॉपिक, और ये है किशोरावस्था में पोषण का महत्व। कि किशोरावस्था जो होती है उसमें हमारे पोषण का क्या महत्व रहता है। किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं किशोरावस्था में। लगातार होने वाली वृद्धि और सक्रियता के कारण किशोर किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों, मतलब दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा, मतलब हर चीज़ का हमें प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इन पोषण का महत्व नहीं समझेंगे, पोषण को नहीं लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें कुपोषण हो जाएगा, मतलब हमें पोषण की कमी आ जाएगी। अगर हम दाल ही दाल खाएंगे तो हमारे अंदर प्रोटीन की ज़्यादा हो जाएगा और हमारे अंदर विटामिन्स कम हो जाएंगे, इस तरह से हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ, सरकार ने जो है बहुत सारी स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ चलाई हुई हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में नहीं, बस इतना कि आप समझ जाएं। पहली है ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग ने चलाई हुई है। स्वास्थ्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और पंचायती राज चला हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान चला हुआ है, जिसमें कि हमें स्कूल में MDM भी बनता है मध्याह्न भोजन। तो ये सब सरकार की सेवाएं हैं, योजनाएं हैं सॉरी। फिर आता है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। ठीक है, तो स्टैनले ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ठीक है, जब इतना ज़्यादा तनाव रहता है किशोरावस्था में कि हम उससे छुटकारा पाने के लिए धूम्रपान मतलब सिगरेट, तंबाकू या मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, हमें गलत संगत पड़ जाती है तो हम उसमें पड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी हमें आदत लग जाती है। लेकिन इसका हमें नुकसान उस टाइम पर नहीं पता लगता है, हमें सब पता लगता है बाद में, क्योंकि जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, किडनी है, लीवर है, ये सब हमारे ख़राब होने लग जाते हैं, जो कि हमें थोड़ा ज़्यादा एज के बाद हमें उन चीज़ों का पता लगता है, लेकिन हम उसके क्या हो गए होते हैं, तब तक हम उसके आदि हो चुके होते हैं। ठीक है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तंबाकू निषेध मतलब तंबाकू छोड़ने के लिए जो सरकार ने दिवस घोषित किया है वो मनाया जाता है 31 मई को। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। इसके बाद आता है बच्चों जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव, कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में क्यों हो रही है। आपको पता है कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है, और पहला स्थान है चीन का। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण है देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह और यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों के रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने हम चाहें तो हम किसके फलस्वरूप, चिकित्सा आदि के फलस्वरूप, हम शिक्षा आदि के फलस्वरूप अपनी जनसंख्या पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि हमारी भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, उस सब में कमी रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसकी 10वें टॉपिक से, परिवार कल्याण कार्यक्रम, और हम देखते हैं इसमें कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं। ओ, ये तो सिर्फ आई थिंक एक ही टॉपिक बचा हुआ है, तो चलिए इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, और फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो उसकी हैं वो भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू, बाय।